नमस्कार, मैं वीना सानिया उपस्थित हूँ और आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे काफ़ी स्वस्थ होंगे। जैसे कि सारी हाउसवाइफ जानती है कि अपने को किस तरह से फिट रखना चाहिए, वैसे मैं भी जानती हूँ। लेकिन मैं जब वर्किंग थी, मैंने भी 15 साल काम किया, लेकिन मेरा रूटीन जब भी वही था और वो भी आज भी वही है। आज मैं वर्किंग नहीं हूँ क्योंकि मैं नोएडा हुई हूँ, तब मैं देहरादून में थी। देहरादून में जब मैं थी, मेरे बच्चे छोटे थे 10-12 साल के, तब मैंने 15 साल जॉब करी और उसके बारे में बहुत कुछ शेयर किया जाएगा। शेयरिंग के लिए तो खैर मेरे पास बहुत कुछ है और मैं किस तरह से अपने आप को फिट रखती हूँ, बस उसी की कुछ बातें बता रही हूँ आप लोगों को। और बहुत सारे लोग इस रूटीन से चलते भी होंगे। कहते हैं जब हम अपना एक रूटीन बनाते हैं और एक अपना टाइम टेबल फिट कर लेते हैं ना, तो हम लोग बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं टाइम टेबल से काम नहीं करते, क्योंकि छोटे से सिखा दिया जाता है कि इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है। चाहे माँ बाप का घर हो, चाहे ससुराल हो, वही आदत हमें पड़ जाती है। आज मेरे बच्चे बड़े हैं, जवान हैं, शादी के लायक है, तो मैंने वही रूटीन आज तक फॉलो कर रखा है। जैसे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड दुकान पे चले जाते हैं और 6 बजे जाते हैं, मैं उसी टाइम पे उठती हूँ, 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और उसी रूटीन से काम होता है हमारा। फिर उसके बाद मेरा बेटा उठता है, वो जिम जाता है, उसका भी उसी रूटीन से काम होता है। ब्रेकफास्ट बनाना, टिफिन देना, क्योंकि वो कंपनी में काम करते हैं तो वो अपने कंपनी में 9:30 बजे चला जाता है। तो एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हम हाउसवाइफ के लिए। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ वो रूटीन से काम नहीं करते हैं। और जैसे मतलब रूटीन का मतलब है कि टाइम टेबल सेट करना, टाइमिंग का, जैसे ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम होना चाहिए, क्लीनिंग का टाइम होना चाहिए, दिन में खाना बनाने का टाइम होना चाहिए, रात को खाना बनाने का टाइम होना चाहिए, अपना रेस्ट का टाइम होना चाहिए। क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं 3 घंटे रेस्ट करती हूँ दिन में, 2 से लेकर 4-5 बजे तक। उसके बाद वही शाम का रूटीन हो जाता है। और अपने को फिट रखने के लिए मैं कुछ सैलड वैलड भी लेती हूँ, इस तरह के जूस लेती हूँ, सैलड लेती हूँ। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं बहुत लाइट लेती हूँ, या तो कोई सैलड ले लेती हूँ, फ्रूट्स ले लेती हूँ, या फिर खीरा वगैरह काट के खाती हूँ। दिन में मैं अपना रोटी सब्जी से पूरा प्रॉपर फूड खाती हूँ। और अपने को फिट रखने के लिए बस ये बहुत ज़रूरी कि आप अपने आप को टाइमली रखें, क्योंकि बहुत सारे हैं कि अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, औरतें अपनी फैमिली का तो ध्यान रखती पर अपना नहीं रखती। अपना रखना भी बेहद ज़रूरी है, तभी हम लोग अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। उसके लिए हमें अपना टाइम को सेट करना होता है कि इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना। बहुत सारे हैं कि जैसे भूख लगी उसी समय आटा गूंदेंगे, उसी समय सब्जी बनाने लग जाएंगे, ना तो वो खाना अच्छा बनता है, ना ही मज़ा आता है। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने को रूटीन में रखने के लिए टाइम का सेट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग अपने आप को टाइम सेट करके चलते हैं। क्योंकि टाइम सेट करने की वजह से मैं लोगों की वीडियो भी वॉच करती हूँ, लोगों की वीडियो पे भी जाती हूँ और अपनी भी वीडियो 2-3 दिन में डाल रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे हम यूट्यूब पे काम करें, चाहे हम घर पे काम करें, चाहे हम वर्किंग है, हर चीज़ का टाइमिंग सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैमिली पहले ही फैमिली बड़ी हुआ करती है, अब फैमिली छोटी है, तो हमारे ही 7 फैमिली में 2 या 3 या 4 जने ही होते हैं। पहले बहुत लोग होते थे, 5-5, 10-10 लोग एक फैमिली में रहते थे। हम भी 4 बहनें 2 भाई हैं, लेकिन अब तो खैर मेरा बेटा है और मैं, मेरे हस्बैंड है, और भी बहुत कुछ शेयर करने के लिए शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। इसलिए बस यही मुझे कहना था कि मैं अपने को फिट कैसे रखती हूँ। अपने को फिट रखने के लिए मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है कि इस समय मुझे उठना है, इस समय क्लीनिंग करनी है, इस समय मुझे घर का काम, ब्रेकफास्ट बनाना है, इस समय मुझे टिफिन देना है, इस समय लंच, इस समय डिनर, और शाम के टाइम पे मैं रिलैक्स होकर चाय पीती हूँ, साथ में बिस्किट नमकीन खाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों की वीडियो वॉच करती हूँ, दिन में मैं आपकी वीडियो वॉच करती हूँ, 2 से 4 मैं रेस्ट करती हूँ। मैंने अपना सिस्टम बता दिया, अगर आप लोग भी रूटीन से करेंगे तो आप भी मेरी तरह फिट रहेंगे और मैं फिट इसी तरह से रहती हूँ। बताना आपको मेरा कैसा लगा, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि हर किसी को अपना टाइम से काम करना चाहिए। चलिए, छोटी सी बात करनी थी मन की, कर ली। टेक केयर, बाय बाय।